दोस्तों, भारतीय बाजार में बढ़ते हुए पेट्रोल को कीमतों को देखते हुए ग्रेट वॉल मोटर्स नाम की एक कंपनी भारतीय बाजार में ला रही अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार, जिसका नाम है ओडा आर्वट। यह गाड़ी लॉन्च होने के बाद सीधा कंपटीशन करने वाली है वैगन आर, स्विफ्ट और एल्ट्रॉस जैसी गाड़ियों के साथ। आज की वीडियो में जानेंगे हम लोग ओडा आर्वट के बारे में सारी डिटेल, इस गाड़ी की क्या है कीमत, क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, जानते हैं इस वीडियो को। ओडा आर्वट दोस्तों, इस गाड़ी को सबसे पहले 2020 में चल रहे इंडिया के ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था और यह गाड़ी दोस्तों आने वाले इस साल में हो सकती है लॉन्च। इस गाड़ी का दोस्तों जो डिज़ाइन है वो एक हैचबैक डिज़ाइन दिया गया है, जिसके अंदर 5 लोगों के लिए बैठने की जगह देखने को मिलती है। गाड़ी का जो मोटर पावर है वो करीबन 33 किलोवाट का देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो इस गाड़ी को आप काफ़ी आराम के साथ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला सकते हैं। यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर 3 प्रकार के ड्राइविंग मोड्स भी देखने को मिलेंगे, जैसी ज़रूरत वैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। गाड़ी की बैटरी पैक की बात करूँ तो इस गाड़ी में दोस्तों आपको लिथियम आयन बैटरी पैक देखने को मिलेगा, जो कि इस गाड़ी के फुटरेस्ट में फिटिंग की गई है। और एक गाड़ी दोस्तों एक बार फुल चार्ज हो जाने पर 300 से लेकर 350 किलोमीटर के बीच में चल सकती है। गाड़ी की इंटीरियर वाइज बात करूं तो गाड़ी के अंदर 7 इंच का टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, जहां पर एंड्रॉयड, एप्पल और 4 स्पीकर भी दिया गया है। और ये गाड़ी दोस्तों विदेशों में से गरीबों की टेस्ला भी कहा जाता है, क्योंकि इस गाड़ी के जो फीचर्स हैं, जो परफॉर्मेंस है, वो टेस्ला से कम नहीं है, अगर हम प्राइस के अकॉर्डिंग इसे कंपेयर कर रहे हैं तो। इतना ही नहीं दोस्तों, इस गाड़ी में आपको रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल, रिमोट स्टार्ट स्टॉप और वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम्स भी देखने को मिलेंगे। इस गाड़ी को चलाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप हर बार चाबी लगाएं, अगर आप अपनी आवाज़ से भी बोल दोगे गाड़ी ऑन ऑफ करने के लिए तो भी ये गाड़ी ऑन हो सकती है। कुछ हद तक ये गाड़ी एक AI असिस्टेंट रोबोट पे भी काम करती है, जहाँ पर अधिकतर काम ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा पूरे कर देगी। दोस्तों विदेशों में जो गाड़ी बिकती है ये मॉडल, उसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी देखने को मिलेंगी, लेकिन भारत में बात करूँ तो उसके अंदर सिर्फ AC हीटर का ही ऑप्शन कंपनी दे रही है, क्योंकि वेंटिलेटेड सीट्स कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इंडियन मार्केट में लाने के बाद। दोस्तों बात करते हैं इस ओडा आर्वट की, क्या हो सकती है प्राइसिंग और कब हो रही है भारतीय बाजार में लॉन्च। दोस्तों ओडा आर्वट की जो कीमत भारतीय बाजार में हो सकती है वो करीबन माने जा रही है 5 लाख से 8 लाख रुपए के बीच में, और ये गाड़ी दोस्तों आने वाले दिसंबर में हो सकती है लॉन्च इंडियन मार्केट में। आपको कैसी लग रही है ओडा आर्वट, क्या आप इस गाड़ी को लेना पसंद करेंगे या नहीं? लेकिन जिस प्रकार से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, मेरे ख्याल से 90% इंडियन इस गाड़ी को लेना काफ़ी अच्छा प्रेफर करेंगे, क्योंकि पहली बात तो इसकी प्राइसिंग, दूसरी है कीमत, और दूसरी है यहाँ पे इसके फीचर्स बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और भी ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल EV वर्ल्ड को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।